हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, वेलकम बैक इन माय क्लास वंस अगेन। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था अंडर द टॉपिक ऑफ हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड, फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट इन इंडिया। एंड नाउ इन दिस वीडियो टुडे आई विल प्रेजेंट यू डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ इंडिया। भारत में भाषाई जो नीति रही है ना, किस तरह से उसने हमारे देश के फेडरल स्ट्रक्चर को मेंटेन किया है, उसके संदर्भ में जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो आपके सामने हैं। क्योंकि हम जानते हैं फेडरेशन का सबसे इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश में है, और इसके साथ ही रोल ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स रियली हेल्प अ लॉट इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया। भारत में संघवाद की जो अवधारणा है अगर फलीभूत हुई है, सफल रही है, तो इसमें हमारे देश का लिखित संविधान और हमारे यहाँ जो परिपाटी डेवलप कर गई है, लोकतांत्रिक जो प्रणाली जो है हमारे यहाँ राजनीति में प्रयोग में लाई जाती है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, जनता के द्वारा, डिफरेंट जो है गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा, उसने यह सुनिश्चित किया है कि फेडरलिज्म हमारे यहाँ अच्छे ढंग से कार्य कर रहा है। हम जानते हैं इंडिया इज अ मल्टीलिंगुअल कंट्री, इतना बड़ा देश हमारा, सैकड़ों बोलियां हमारे यहाँ हैं, भाषाएं हैं, अमंग देम मोर देन 1500 लैंग्वेज आर स्पोकन एज द मदर टंग एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। अगर कहेंगे किसी बड़े जिले स्तर पर ही सही, वैसी जो भाषाएं हैं जो संपूर्ण जिले के स्तर पर मातृभाषा के रूप में यूज की जाए, ऐसे भाषाओं की संख्या हमारे यहाँ 1500 से भी अधिक है। और इन सबों के बीच 144 लैंग्वेज आर मेजर लैंग्वेज, अमंग देम 144 आर मेजर लैंग्वेज। एंड अमंग द 144 मेजर लैंग्वेज 22 लैंग्वेज अप टू प्रेजेंट आर शेड्यूल्ड लैंग्वेज एंड केप्ट अंडर एट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये संविधान जब हमारा बना था उसमें एट शेड्यूल का प्रावधान भाषाओं, रिकॉग्नाइज भाषाओं को ही स्थान देने के लिए किया गया था। ये शेड्यूल स्पेशलाइज है हमारे यहाँ विभिन्न भाषाओं को सरकारी जो मान्यता दी गई है, गवर्नमेंट के ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में जो मान्यता दी गई है उसके लिए है। तो इस एट शेड्यूल में आज के डेट में हमारे यहाँ 22 भाषाएँ हैं, बट नो लैंग्वेज इन इंडिया हैज बीन गिवन द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज। संविधान सभा में इस पर बहुत बहस हुई, काफ़ी गर्मा गर्म बहस हुई, डिबेट्स हुए, डिस्कशन हुए, लंबा दौर चला, उसके बावजूद किसी भी भाषा को हमारे राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला, नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं मिला। नो डाउट हिंदी इज वाइडली स्पोकन एंड इट इज स्पोकन अबाउट अप टू 40% ऑफ द पॉपुलेशन एज मदर टंग, एंड इट हैज नॉट बीन गिवन द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज। नो डाउट हिंदी हैज बीन गिवन द स्टेटस ऑफ एन ऑफिशियल लैंग्वेज। भारत में हिंदी को एक ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिला है। और अगर कहें तो यह भारत के 40% लोगों के द्वारा मातृभाषा के रूप में बोली जाती है। हालांकि कुल मिलाकर अगर इसको अगर कहें, बोलने वालों की संख्या सिर्फ अगर कहें तो इससे भी अधिक है, फिर भी इसको नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं मिला। इसके अलावा एनी ऑफ द शेड्यूल्ड लैंग्वेज कैन बी यूज एज लैंग्वेज ऑफ मीडियम बाय द पीपल ऑफ इंडिया। हिंदी को तो यूज कर ही सकते हैं। इसके अलावा दूसरे जो 21 लैंग्वेज है शेड्यूल लैंग्वेज, उनको भी हम
मीडियम ऑफ लैंग्वेज के रूप में यूज कर सकते हैं, मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन के रूप में, सॉरी मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन के रूप में यूज कर सकते हैं, जैसे किसी एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करना है, कहीं कोई स्पीच देना है, है ना, या डिफरेंट जो है विभिन्न प्रकार के जो हम वो स्टडी करते हैं, खास करके जो एकेडमिक लेवल पर उसमें जिस भाषा का चुनाव करते हैं, तो उस तौर पे अगर कहें तो हम किसी भी अदर हिंदी एज वेल एज अदर 21 लैंग्वेज को हम चुन सकते हैं। स्टेट भी हमारे यहाँ क्या है, जितने भी स्टेट हमारे हैं, स्टेट्स आर फ्री टू अडॉप्ट एनी शेड्यूल लैंग्वेज एज स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेज। इन्हीं शेड्यूल लैंग्वेज के बीच में से हमारे देश में कोई भी स्टेट फ्री है किसी भी भाषा को वह ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दे। हालांकि यह तभी संभव है जब उस भाषा को बोलने वाले लोग उस स्टेट में काफी अधिक संख्या में, ऐसे ही मनमाने ढंग से स्टेट गवर्नमेंट डालकर जो स्टेटस नहीं देती है। यही कारण है कि मोस्ट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज इन ए स्टेट आर डन जनरली इन स्टेट लैंग्वेज। यही कारण है कि अधिकतर राज्यों में वहाँ के जो मुख्य कार्य होते हैं सरकारी कार्यालयों में वो स्टेट लैंग्वेज में होते हैं। इसके अलावा ऐसी बात नहीं है, और दूसरी लैंग्वेज में इंग्लिश में भी होते हैं। इन बिगिनिंग जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था इसमें भाषाओं को यह मान्यता दी जा रही थी, एड है चूंकि उस समय तक किसी भारत में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया जा सका, तो समूचे देश में किस प्रकार से सरकारी कार्यालयों में एक रूपता के साथ काम किया जाए, इन्फॉर्मिटी रहे कार्य में, गवर्नमेंट के वास्तव में जो है डिफरेंट जो है वर्क जो हो किस भाषा में हो, ये प्रश्न चिन्ह हो गया। हालांकि इसके पहले आज़ादी के पहले जो भी काम हो रहे थे गवर्नमेंट के वो इंग्लिश में हो रहे थे। इसी कारण इंग्लिश को जब तक कोई ऐसी भाषा हमारे यहाँ डेवलप ना हो जाए, इस योग्य ना हो जाए कि उसे फुल फ्लेज ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर होल ऑफ द नेशन न करार दे दिया जाए, तब तक के लिए इंग्लिश को एड हॉक भाषा का दर्जा दिया गया, और वो टाइम पीरियड जो रखा गया वो 1965 यानी कि 1965 तक इंग्लिश को एक आधिकारिक ऑफिशियल भाषा का दर्जा दे दिया गया एड हॉक बेस पर। हालांकि इसके बोलने वालों की संख्या हमारे यहाँ कम है, उसके बावजूद चूंकि पहले से कंटिन्यू करता आ रहा था इसलिए उसका यह स्टेटस मेंटेन हुआ। 1965 में यानी 1965 में दूसरी भाषा जो भी इसके योग्य होती उसको यह स्टेटस मिल जाना था, लेकिन बट ड्यू टू डिमांड्स ऑफ सम नॉन हिंदी स्टेट्स इट इज स्टिल इन कंटिन्यूअस। चूंकि जब कभी भी चूंकि सबसे वाइडली जो हमारे यहाँ बोली जाती है, सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाती है जो भाषा हिंदी, इसको यह दर्जा दिया जा सकता है कि समूचे देश के स्तर पर इसे कार्यालयी भाषा के रूप में स्थापित किया जा सकता है। लेकिन जब भी ऐसा करने का प्रयास किया गया तो ड्यू टू द लोकल पॉलिटिक्स, डिफरेंट रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज ने स्पेशली इन डेकन और इवन इन बंगाल देयर वेयर प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट हिंदी, और इसी कारण आज भी जो है इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में हमारे यहाँ वर्तमान है, हिंदी इसका स्थान संपूर्ण देश के स्तर पर नहीं ले पाई है। Although as an official language, Hindi has been promoted by the government, इसमें कोई शक नहीं है। खासकर के अगर हिंदी हार्टलैंड हिंदी स्पोकन बेल्ट में देखें तो यहाँ के कार्यालयों की मुख्य भाषा के रूप में हिंदी ने अपना स्थान बना लिया है, सरकार ने समय समय पर इसको प्रमोट भी किया है। बट इन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री इट हैज नॉट बीन रिकॉग्नाइज, संपूर्ण देश में लेकिन इसको भी मान्यता नहीं प्राप्त है। बिकॉज इन डूइंग सो गवर्नमेंट हैज बीन केयरफुल इन नॉट टू इम्पोज हिंदी इन नॉन हिंदी बेल्ट्स नॉन हिंदी स्टेट्स इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी पब्लिक कॉन्फ्रंटेशन, क्योंकि लोगों में खास करके दक्षिण भारत के राज्यों में वहाँ की सामान्य जनता और नेताओं के द्वारा
जो विरोध किया जाना है। इससे हमारे देश में हमारे देश की एकता और अखंडता पर शायद कुछ वैसा ही प्रश्नचिन्ह लगने की संभावना बनती है जैसा कि श्रीलंका में हुआ। इसलिए लैंग्वेज को एन इशू ऑफ कन्फ्रंटेशन डिफरेंट बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स एंड अमंग द डिफरेंट पीपल हमारे यहाँ नहीं बनने दिया गया और सरकार ने हिंदी को जबरदस्ती डिफरेंट स्टेट पर ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में स्वीकार करने के लिए कभी थोपा नहीं। इसके फायदे भी हुए काफ़ी कि लैंग्वेज के आधार पर हमारे यहाँ जो डिफरेंट स्टेट के बीच में कन्फ्रंटेशन हो जाने की संभावना थी उसको तो निश्चित तौर पे अवॉइड कर लिया गया है। इससे जो और इसके दूसरे एस्पेक्ट्स हैं उसको हम दूसरे स्लाइड में देखते हैं। नाउ इट इज वेरी मच क्लियर दैट अनलाइक श्रीलंका लैंग्वेज पॉलिसी इन इंडिया हैज सर्टेनली केप्ट अवे द कन्फ्रंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज इन डिफरेंट स्टेट्स एंड दस यूनिटी एंड इंटीग्रिटी इन द कंट्री मेंटेनिंग इट्स फेडरल कैरेक्टर हैज बीन केप्ट इंटैक्ट। भारत में श्रीलंका में जबरदस्ती जब सिंहलीज को नेशनल लैंग्वेज घोषित कर दिया गया और तब तमिल स्पोकन पीपल जो थे काफ़ी हर्ट महसूस किए, उनके इंटरेस्ट को इग्नोर किया गया जो काफ़ी डीपली वास्तव में जो है हर्ट कर रहा था तमिल लोगों को और अंत में उनका यह असंतोष श्रीलंका में एक सिविल वार के रूप में टूटा जब श्रीलंकन गवर्नमेंट ने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया और रीजनेबल रिड्रेसल नहीं किया। हमारे देश में हमारी गवर्नमेंट जो भी रही है शुरू से ही ने इस पर प्रॉपरली ध्यान दिया और यही कारण है कि इतने अधिक विभिन्न भाषाओं वाले हमारे देश में भाषाई आधार पर कोई वैसा पक्ष रहा कोई वैसा जो है वार लाइक कंडीशन नहीं क्रिएट हुआ और इस तरह हमारे देश की एकता और अखंडता बनी हुई है क्योंकि यह हमारे इस फेडरल कैरेक्टर को मेंटेन करने में काफ़ी सहायक सिद्ध हुआ है। और एट प्रेजेंट की अगर बात करें तो गवर्नमेंट इज नाउ वेरी मच कीन टू इंट्रोड्यूस थ्री लैंग्वेज पॉलिसी। ये त्रिभाषाई जो है सिद्धांत के आधार पर हमारे यहाँ भाषाओं को जो प्रचलन में सरकारी कार्यालयों में या विभिन्न स्वरूपों में लागू करने का जो प्राप्त का सच्चे प्रयास है उसमें रीजनल लैंग्वेज और लैंग्वेज विच आर यूज एट द नेशनल लेवल और जो ट्रेडिशनल हमारे यहाँ चलते आ रहा है ब्रिटिश राज के समय से ही इंग्लिश, इन तीनों को स्थान दिया गया ताकि कोई भी वर्ग डिससेटिस्फाइड ना हो। एट प्रेजेंट गवर्नमेंट इज टू इंट्रोड्यूस थ्री लैंग्वेज पॉलिसी, हालांकि अभी आना बाकी है, गवर्नमेंट काम कर रही है इसके अमल का। फर्स्ट विल बी रीजनल लैंग्वेज, किसी भी भाषा जो किसी खास स्टेट की होगी उस स्टेट में उस भाषा में काम करने की स्वतंत्रता होगी। इस तरह से हिंदी को अगर वहाँ कार्यालय की भाषा के रूप में उपयोग किया भी जा सकेगा तो उससे उस भाषा के बोलने वाले लोगों में कोई असंतोष व्याप्त होने की संभावना लगभग समाप्त हुई। और इंग्लिश जो आज़ादी के समय से ही और उसके पहले से ही हमारे यहाँ ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में यूज होती आ रही है इसको भी कंटिन्यू किया जाएगा ताकि अगर जो कुछ कमी रह जाए उसकी भरपाई इंग्लिश से हो जाए। इस तरह से हर प्रकार के कन्फ्रंटेशन को हमारे यहाँ टालने की कोशिश की गई है और इसको हमारे देश की एकता और अखंडता के आड़े नहीं आने दिया गया। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो हमारे यहाँ प्रोविजंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन इंडिया को संभव बनाया गया है थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन और हम चर्चा करेंगे सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बारे में भी कि कैसे इन सबों ने हमारे देश में फेडरलिज्म को रियली
इन रियल सेंस इन प्रैक्टिस में लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तब तक आप इंतजार करें। थैंक यू।